टोरेंट के ऊपर ले लेना। सलमान भाई, सोशल एक्टिविस्ट है आप, देख रहे हैं कि आप कल मुमरा शहर में 21 तारीख को टोरेंट के खिलाफ बंद का ऐलान है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि काफी प्रतिक्रिया आ रही है और खास तौर से यंगस्टर्स की। यंगस्टर्स एकदम छिड़े हुए हैं कि आखिर हम क्यों बंद करें, क्या कहेंगे इस बात के ऊपर? देखिए, अभी हाल ही में लोगों के आंसू अभी ठीक तरीके से पोछे भी नहीं गए, क्योंकि लॉकडाउन के माहौल में हर कोई अपने घरों पे ही बैठा हुआ था, किसी का काम नहीं, किसी का धंधा नहीं, नौ नौ महीने सबकी दुकानें बंद। इसी तरीके से कुछ चीज़ें चालू है, लोग अपना धंधा कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो इन लोगों का ये सिस्टम हो गया है। जैसे आप लोगों ने भी पढ़ाई की है स्कूलों में, नहीं हफ्ते भर में एक पीरियड ऐसा आता है जहाँ पे लोग एक्टिविटी करते हैं, ताकि जो छः दिन पढ़ाई की वो एक्टिविटी करके थोड़ा सा माइंड फ्रेश किया जाता है। इन लोगों के भी सेम है, हफ्ते दस दिन पंद्रह दिन में क्या करते हैं, कुछ अगर अपने आप को पब्लिक के सामने लाना है तो इनकी एक एक्टिविटी, खाली एक्टिविटी होती, इस पर कोई एक्शन नहीं होता। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको धरना करना है, आपको आंदोलन करना है, आपको प्रदर्शन करना है, ऐतिहासिक करिए ना, कि आज आपने धरना किया कल उसका रिजल्ट आना चाहिए। इनके इसमें कोई भी आप एक भी धरना बता दो, आंदोलन बता दो कि आज इन लोग ने आंदोलन किया और कल इसका रिजल्ट आया। मतलब बोलने का मतलब यही है कि जो भी आने वाले 2022 में मनपा चुनाव है उसके लिए स्टंटबाजी हो रही है। बिल्कुल हो रही है। आप देखिए, कल 21 जनवरी 2021 को इन लोग का धरना होगा, उसके बाद से सब गायब हो जाएंगे। सलमान भाई, ये टोरेंट का जो इन लोगों ने अभी कल मुद्दा उठाया है मुमरा कौसा बंद का, तो बंद तो करेंगे और इनके साथ में करीब हजारों की पब्लिक भी रहेगी, और यही चीज सेम जो है MIM के कलवा मुमरा अध्यक्ष साहब पठान ने भी किया था, तो उनको किसी तरह की जो है इजाजत नहीं दी गई थी, ऐसा क्यों? उनके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, सबको सब मालूम है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर टोरेंट यहाँ आई है, सब लिटरेट पीपल है, मोस्टली लिटरेट पीपल है मुमरा के अंदर, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, बराबर। आप ये समझिए कि आपको अगर मेरे घर में आना है तो पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी ना मेरे घर में आने के लिए, कि आप डायरेक्ट आ जाओगे। इसी तरीके से 149 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें आने के लिए टोरेंट को यहाँ के MLA, यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के MP, यहाँ के मंत्री सभी ने NOC पे साइन किया है। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि किसी के एरिया में जाके किसी कंपनी को थोप देना आवाम के ऊपर, ऐसा नहीं होता। तो उनका तो कहना है कि सर ये तो जो भी हुआ है ये सब BJP की सरकार में हुआ, तो उस समय हमारा कोई इसमें भूमिका नहीं थी। चलो ठीक है, मान लिया BJP की सरकार, आपने साइन क्यों किया फिर? आपने NOC पे क्यों साइन किया? आप भी जिस तरीके से BJP इसमें शामिल है वैसे आप भी शामिल हो, आपको साइन नहीं करना चाहिए थी। सलमान भाई, एक और दूसरी बात यह है कि एक बार जब जितेंद्र अवार्ड सर से पूछा गया कि टोरेंट आपने लाया है, आप पे आरोप लग रहा है कि टोरेंट आपने लाया है, और एक पेपर में भी ये बातें चली कि आरोप लगे थे, तो उनका जवाब था कि भाई टोरेंट का मंत्री तो कांग्रेस का है। उसके बाद में जो मुमरा शहर में कांग्रेस है, जो इस वक्त कोई पद नहीं लिया है जनाब नईम नजीर खान ने, लेकिन उसको हैंडल वहीं कर रहे हैं विक्रांत चौहान, आते रहते हैं थाना से, उन्होंने दावे बड़े बीच में चले थे कि हम ऊर्जा मंत्री को लाएंगे, नितिन राउत को लाएंगे मुमरा में, जो कि कांग्रेस के है। आखिर क्यों, क्या वजह है? क्या ये एक लोगों को उम्मीद पे आस पर, जैसे कि कहा जाता है, आंच पर रखा गया है, या फिर 2022 में इस चीज का पत्ता खोला जाएगा? जब तक काफी देर हो गई, क्या कहेंगे इस चीज? देखिए, आप ही के चैनल के माध्यम से माजी महापौर श्री नईम नजीर खान साहब ने एक बाइट दी थी कि ठीक है, मंत्री साहब को बोल दे आवाज साहब को कि आप हाथ उठा ले, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद जो उनको करना रहेगा या जो कांग्रेस पार्टी को करना रहेगा करेंगे। रही बात ऊर्जा मंत्री जो हमारे हैं कांग्रेस के, वो पहले थोड़ी ना थे, ये तो अभी के महागठबंधन अगाड़ी सरकार ने बने ना, एनर्जी मिनिस्टर अभी बने, वो पहले किधर थे? तो यही सवाल है। और उन्होंने तो टोरेंट आने से पहले एक जुमला भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से कि अगर नहीं आई तो, हाँ वही टोरेंट नहीं आई तो शर्त लगी थी उनमें, शर्त लगी थी, बराबर, टोरेंट अगर नहीं आई तो मैं अपना बंगला दे दूंगा, लेकिन टोरेंट आ गई, एक हिसाब से शर्त जीत गए, बराबर है। लेकिन ये 2-5 लाख रुपए का बंगला थोड़ी ना, कई करोड़ रुपए का बंगला अगर इंसान दावा कर देता है पूरे मुमरा के शहर में आपके चैनल के माध्यम से, तो बहुत बड़ी बात जी। लेकिन अभी इसका हल क्या है, क्योंकि देख रहे हैं कि लोग काफी परेशान है, टोरेंट खून चूसना अपना हक समझती है आवाम का, लेकिन यहाँ पर कैसा है कि हम टोरेंट को आश्वासन दिया जा रहा है ताला लगा देंगे। अब ताला लगा देने से तो ऐसा तो नहीं होता ना, कहीं ना कहीं से ताला खुलेगा भी, क्योंकि टोरेंट की जो मनमानी है उसको देख के लग रहा है उसको डर नहीं है उसके अधिकारियों को। देखिए, एक एक्टिविटी है ये, आज होगी, 10 दिन बाद फिर कुछ नए मुद्दे पे फिर एक्टिविटी होगी। टोरेंट यहाँ से जाने वाली नहीं है, टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, आने वाले 20 साल तक टोरेंट यहीं पे रहेगी। मुमरा की परेशान जो आवाम है वैसी परेशान होती रहेगी। यंगस्टर्स को क्या कहेंगे, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि जितने भी लीडर्स आप देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति आप ले लो,
इसमें आपको ज्यादातर बूढ़े चेहरे ही मिलेंगे ज्यादातर। बिल्कुल, आप जैसे यंगस्टर्स को अब आगे आना जरूरी है। क्या कहेंगे यंगस्टर्स को शहर के, क्योंकि कैसा है इलेक्शन आता है झंडे लेकर यंगस्टर मिल जाएंगे, और बिल्कुल उसमें सच है कि 200-500 देकर अब बेरोजगार किया जा रहा है कि शायद खड़े हो जाए। अभी स्ट्रेटेजी बनेगी यंगस्टर्स को क्या कहेंगे उनकी जरूरत। देखिए पढ़े लिखे लोग हैं यंगस्टर भी आजकल के मुमरा के जो भी यूथ है, जैसे आप देख लो सैफ पठान MIM के, मैं कोई पार्टी लेवल से नहीं बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक हक की जहां तक की बात होगी चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इनका एक ही मकसद रहता है कोई भी इनके खिलाफ आवाज करेगा उसपे केस होगा, उसको तड़ी पार किया जाएगा, इनका यही पावर है। अरे कोई मंत्री हो तुम, गृह निर्माण मंत्री हो, तुम्हारे पास पावर है, तुम एक आमदार हो, तुम्हारे मुमरा जैसे शहर में 18 नगर सेवक है, फिर भी तुमको आंदोलन की क्या जरूरत आने पड़े। आंदोलन आपको करना ही नहीं चाहिए, आपके पास पावर है, आप जाके ऊपर हाई लेवल पे बात करो, कैंसिल करवाओ। इसमें पब्लिक को क्यों तुम परेशान कर रहे हो? आज 2-5 लाख रुपया तुम पब्लिक के पीछे खर्चा करो, कल वही तुम्हारे को मंत्री कई करोड़ का प्रोजेक्ट दे देगा। आप लोग तो खुश हो, आप लोग का कोई वास्ता नहीं आवाम क्या कर रही है, आवाम परेशान है, भूखी है, नंगी है, आप लोग से कोई लेना देना। हॉकर्स के बारे में आपका क्या कहना है? जिस तरह से मुमरा में हॉकर्स को परेशान किया जा रहा है और हॉकर्स को हटा करके पार्किंग कर दिया गया है। देखिए हॉकर्स की बात है, जहां अगर हॉकर्स पे कार्रवाई हो रही है वहां पे इलीगल पार्किंग पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से स्टार्टिंग से मुद्दा चला आ रहा है, हॉकर्स को जगह चाहिए, लीगल मार्केट चाहिए। उन्होंने एक छोटा सा मार्केट बना के दिया जहां बहुत से बहुत 50 दुकानें चलती है। हमारे मुमरा के हॉकर्स की हालत बिल्कुल, जो कई जमानों से लोग अपना धंधा करते हुए चले आ रहे, कोई बता रहा है 92, कोई बता रहा है 93, कोई बता रहा है 2000। लेकिन यहाँ तो ये भी है ना कि हॉकर्स को लोग, यहाँ के लोग बोलते हैं कि बाहर से आके यहाँ पे अपनी दुकानें लगा रहे हैं। नहीं नहीं, कोई बाहर से नहीं आया, आप जाके पर्सनली आप इसका सर्वे करें, कोई बाहर से नहीं आया, सब मुमरा के लोग हैं, सब मुमरा के गरीब लोग हैं। कोई किसी से पैसा ले रहा धंधा करने के लिए, कोई किसी से उधार ले रहा, इस तरीके से उनके रोजी रोजगार चल रहा है। अगर इसमें भी थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अगर हॉकर्स के साथ इस तरीके से जाती करेगी तो आने वाले वक्त में ये भी हॉकर्स इंसान है, आज नहीं तो कल आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। यंगस्टर्स की बात आई थी तो कहते हैं कि सर जो युवा पीढ़ी होती है वो देश के भविष्य होते हैं, आगे देश उन्हीं को चलाना है, तो सर लोग जुड़ेंगे कैसे अगर इस तरीके से झूठा आरोप लगता रहेगा और उन्हें तड़ी पार कर दिया जाएगा, जैसे कि सैफ पठान की आपने बात की, तो सर यंगस्टर जुड़ेंगे कैसे कोई पार्टी से? देखिए एक जन को तड़ी पार करने से ऐसा नहीं कि सब युवा डर जाएंगे, उस तरीके से कई लोग हैं और आप देख ही रहे हो फेसबुक लाइव हर कोई आ रहा है और हर कोई लाइव के जरिए अपना अपना भाषण और बयान दे रहा है। ऐसे नहीं, हम जैसे कई लोग हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो समाज सेवक हैं, जो लोगों के हित में खड़े रहते हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, मरते दम तक हम खड़े रहेंगे। और ये हम मुमरा की यूथ जनरेशन के लिए पैगाम है कि अब नहीं आए तो आने वाले वक्त में आप खुद परेशान होंगे और आने वाली आपकी नस्लें भी परेशान।